अगली खबर में बात करते हैं भोपाल की, जहां रविंद्र भवन में आयोजित रविवार को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान समारोह में लोग राधे राधे भजन पर जमकर झूमे। वृंदावन में प्रख्यात गायक ध्रुव शर्मा और स्वर्ण श्री ने भजनों का ऐसा समा बांधा कि प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिव शेखर शुक्ला भी मंत्रमुग्ध हो गए। भजनों पर बच्चों से लेकर महिलाएं तक जगह खड़े होकर थिरकने लगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से सम्मानित किया। सांस्कृतिक संचालनालय और स्वराज संस्थान द्वारा सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान अलंकरण समारोह और एकय राम रहीम भजनांजलि कार्यक्रम किया जाएगा। मशहूर गायक ध्रुव शर्मा और स्वर्ण श्री शर्मा ने कार्यक्रम में भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुमने मीरा के जैसे बुलाया नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुमने यशोदा के जैसे सुलाया नहीं। इस भजन पर सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर नाचते और झूमते दिखे। इसे दर्शकों ने एक बार फिर कहा। इसी तरह के कृष्ण के कई भजनों की प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम छोटे छोटे काम करके ही गांधी दर्शन के अलग अलग पहलुओं को जमीन पर उतार सकते हैं। आज हम ही नहीं, सारा जमाना कहता है कि गांधी दर्शन आज भी सार्वजनिक प्रासंगिक है। उस दर्शन अनुसरण कर पाए या नहीं कर पाए, पर मनाते यही है कि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। विश्व को अगर शांति के पथ का दिग्दर्शन कराना है तो गांधी आज भी प्रकाश स्तंभ का काम कर रहे हैं। गांधी के किसी एक सिद्धांत को आत्मसात कर उनकी दिखाई राह पर चलने का हम प्रण करें, तभी गांधी जयंती मनाना सार्थक है। प्रधानमंत्री ने देश में स्वच्छता का बीड़ा उठाया है। आज स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन गया है। हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छता रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने धर्मपाल सोदपीठ द्वारा प्रकाशित गांधी के बाद विश्व में गांधीवाद पुस्तक का विमोचन किया। पहले भी स्वच्छता पर काम हुआ लेकिन जन आंदोलन नहीं बन पाया। आज स्वच्छता का विषय जन आंदोलन बन गया है। आज केले का छिलका फेंकने से पहले लोग सोचने लगे हैं। Tu antaryami